हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, आज मैं एक चीज़ लेके आई हूँ जो आपको ना मेकअप मतलब करने के बाद ना उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सी महिलाओं की ऐसी समस्या होती है, बहुत सी लेडीज़ों की, कि मेकअप तो कर लेते हैं ना तो वो जल्दी से निकलता नहीं, रिमूव होने में बड़ा टाइम लगता है। कभी कभार तो गुस्सा भी आता है कि कैसे क्या करें, अगर जल्दी में इंसान रहे मेकअप को हटाना हो तो बहुत सी दिक्कत आ जाती है। तो वही दिक्कत आज जो है ना उसी की समस्या का समाधान करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। ये हेल्पफुल आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। और गाइज, अगर आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ माइंड ना करना, क्योंकि फ़ैन मैंने ऑन कर रखा है, फिर आप उससे बात करें, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए, मेरे पूरे दिन का जो मेकअप है ये कुछ ऐसा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ ये चीज़। और जो मेकअप रिमूव करने में बहुत इजी, बहुत जो आपके घर के मतलब घर में होगा ना उसी सामान से आपको रिमूव करना है, बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से। तो मेकअप आपका इजीली निकल जाएगा और कोई भी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। कैसा भी आपको कुछ ऐसी होती है ना, जैसे लिपस्टिक होती है ना लॉन्ग टाइम वाला होता है कि जल्दी से रिमूव नहीं होता, या आईलाइनर हुआ, या ऐसे कुछ मेकअप होते। तो अभी तो गर्मी है तो उतनी दिक्कत नहीं है, गर्मी हो या ठंडी हो तब भी मेकअप निकालने में टाइम ही लगता है और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस, तो किससे करना है मैं आज आपको बताऊंगी बहुत इसी तरीके से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है टिश्यू पेपर, जी हाँ ये है टिश्यू पेपर। और आपको ना क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ मेरे पास ऑयल है क्यू कार्बिन का, देख रहे ना, कोई भी ऑयल अगर आपके पास हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बिंदी अपना निकालूंगी और उसके बाद आपको क्या करना है ना मैं वो भी बता रही हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, 2 ड्रॉप के जितना लेना है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, 2 ड्रॉप ये देखिए। मैंने मेकअप किया था ना, मैं कभी कभार करती हूँ, जल्दी तो मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मन कर देता है ना कि हाँ भाई थोड़ा सा हो जाए। तो ये देखिए कितना इजी तरीके से आपका मेकअप जो है रिमूव होगा। ये देखिए, आपको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, या आईज पे, आईज के आईब्रो उब्रो जो भी आपने ना आई पेंसिल सॉरी आईब्रो पेंसिल लगाया है, लाइनर वगैरह लगाया है, मस्कारा जो भी, बहुत अच्छे से रिमूव होगा ये। और ये देखिए, आपको हल्का सा लिपस्टिक जो है ना लिप्स में भी लगा लेना है अच्छे से। तो अभी तो मेरा फेस कुछ ऐसा है, तो अब क्या करना है ये देखिए, आपने आप ही निकलना स्टार्ट कर दिया, बहुत इजी है गाइस निकालने में। ये देखिए पूरा अच्छे से मतलब ये मेकअप जो है ना रिमूव हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। वो घर की चीज़ों से ही, सबके घर पे वही ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते, बेबी ऑयल वगैरह, और मतलब आपके पास मतलब जो भी ऑयल है इस टाइम, बस सरसों का तेल होता है उसको छोड़ के आपको आलिया वगैरह ये सब है। तो ये भी, ये देखिए मेरा फेस कुछ ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है, ये देखिए लिपस्टिक मेरी इसमें आ चुकी है ना, और मेरा लिप्स जो है एकदम क्लीन हो चुका है ना, देख रहे हैं आपको। बस ये बहुत इजी तरीके से निकालेगा। तो ये देखिए, मुझे आई मेकअप भी मैंने किया था, तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा आ रहा होगा, ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है गाइस ये। ये देखिए, अब आप टिश्यू पेपर चेंज कर लें एकदम। टिश्यू पेपर तो घर पे सबके पास होगा क्योंकि किचन का तो है ही है ये। तो ये देखिए सारे मेकअप मेरे रिमूव हो जाएंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से ये देख सकते हैं आप, सारा मेकअप इसमें आ गया है। तो मैं सोची कि आप लोग को शायद कुछ हेल्प हो जाए मेकअप रिमूव करने के लिए। तो ये देखिए सारे अच्छे से बाहर निकल गए। आज मैंने मन किया, मैंने ये ले लिया, मतलब आई मीन मेकअप कर लिया।
सारी लिपस्टिक सारी मतलब जो भी था मेरे सब अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मतलब फेस वॉश वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई बात नहीं। तो गाइस देखिए मेरा मेकअप बिल्कुल से एकदम फेस पे है ही नहीं, देख सकती है आपको मैंने पास से दिखा दिया। देखो आईज वगैरह पे मेरा मतलब लाइनर वगैरह जो लगा था वो सब हट चुका है। तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, प्लीज़ आप 2 से 3 मिनट देख लीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे भी कहना चाह रही हूँ कि कुछ होते ना कि मतलब उन्होंने देखा नहीं कि हाँ मैं हूँ कि नहीं हूँ आपके चैनल पे, बस फटाक से अन कर दिए, तो प्लीज़ अन ना करिए, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा उसके बाद आप अन करिए। ये मुझे कहना था क्योंकि ना एक एक सब्सक्राइबर ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो जब बढ़ता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये घटता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। और मेरे अंदर है कि अगर कोई जब मुझे अन भी कर लेता है ना तो मैं कभी अन किसी को नहीं करती हूँ, जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो वो हमेशा के लिए ही रखती हूँ मैं। तो जितने यूट्यूबर होंगे या वैसे होंगे तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में या नई कुछ चीज़ के साथ, मतलब कोई रेसिपी वगैरह के साथ, या मैं मतलब कोई ऐसे टिप्स अच्छी सी आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो दीदी मुझे इजाज़त, मैं कल मैं फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।